हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर 6 को हम पढ़ रहे हैं। रूल 1 हमने पढ़ लिया था जहाँ प्लीडिंग डिफाइन किया हुआ है। रूल 2 पढ़ लिया था जहाँ फंडामेंटल्स ऑफ प्लीडिंग की बात की थी। और 4 हमने कल प्रिंसिपल्स में स्टडी किए थे। आज रूल 3 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। और दो कल 3 भी हमने पढ़ा था बट फिर से दोबारा से पढ़ेंगे बिकॉज़ ये हम कवर कर रहे हैं अंडर दिस हैडिंग नेसेसरी पर्टिकुलर्स और अदर रूल्स ऑफ प्लीडिंग के अंदर। तो दो रूल्स तो हमने बता दिए आपको क्या होते हैं, रूल 2 में रूल 3 में बताए गए थे, कल हमने बता दिए थे। अब बाकी के जितने भी होंगे वो हमने आज पढ़ने हैं 13 तक, और उसके बाद जो आएंगे मतलब 14 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बिकॉज हमने जो है पढ़ाई को ऐसे करना है कि हम ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल मतलब बहुत जल्दी जल्दी कर दिया और काम निपटाया, वो भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम पूरे साल CPC पढ़ते रहें, है ना, क्योंकि हमें एग्जाम भी देना। तो इस तरीके से इस करना है कि हमें चीज़ें समझ भी आ जाए। जो हमने कल पढ़ा था ना रूल्स ऑफ रीडिंग में, कंसाइज प्रिसाइज कि अपनी बात को कह भी देना है और जो है क्या करना है, डिटेल में भी पढ़ना है और अपनी बात को शॉर्ट भी करना है। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से हमने पढ़ना है। तो रूल 3 पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ फिर आप कहोगे कि फालतू की बातें कर रही हूँ। तो रूल 3 पे चलते हैं। रूल 3 कहता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। तो फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग का मतलब प्लीडिंग किस फॉर्म में जाएगी। तो हमारे CPC के अंदर अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है जहाँ पर कहने कि जहाँ जहाँ वो अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल होगी उस फॉर्मेट में, उस फॉर्म में हमारी प्लीडिंग जाएंगी। और जहाँ पर ये अपेंडिक्स ए एप्लीकेबल नहीं होती है उस केस में जैसा बोला गया है उसी तरीके से फिर प्लीडिंग जो है जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा हमारा रूल 3 आगे इसके अंदर आ गया। रूल 3 क्या कहता है, कहता है कि कमर्शियल कोर्ट्स में प्लीडिंग किस तरीके से जाएंगी। तो कमर्शियल कोर्ट्स में प्लीडिंग जाएंगी जो हाई कोर्ट रूल्स बनाती हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर इस मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए जो प्रैक्टिस डायरेक्शन बनाई जाती हैं उस पर्पज़ के लिए उस फॉर्म में जाएंगी जिस फॉर्म में बताया जाता है। फिर सेक्शन 3 जो है ना ये एप्लीकेबल है कमर्शियल डिस्प्यूट के बारे में, जो कि हमारे अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है वहाँ पर 3A जो है उस पर एप्लीकेबल होगा। जो कमर्शियल डिस्प्यूट की वैल्यू स्पेसिफाई है 3A उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आता है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। कौन सी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जब भी कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ हो, या विलफुल डिफॉल्ट या अंडू इन्फ्लुएंस हुआ हो, या ऐसे फिर कोई केस हुए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लीडिंग में जितना भी हो सकता है जहाँ तक पॉसिबल हो पर्टिकुलर्स डाले जाएंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे अगर ए जो है वो बी के साथ साथ एक सूट फाइल करता है बी के खिलाफ, अब यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड करा है बी ने, ठीक है, तो उस फ्रॉड के बारे में जब वो बता रहा है तो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर्स उसको बताने पड़ेंगे, क्या पर्टिकुलर्स की किस डेट के बारे में हुआ और क्या आइटम्स थी, मतलब किस बेस पे आप कह रहे हो किसने आपके साथ जो है फ्रॉड किया है। तो जहां तक जरूरी हो ये चीजें आप डालेंगे। तो पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी का मतलब जहां जरूरत हो वहां डेट, कौन कौन सी बातें करें, किन केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, फ्रॉड के केस में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अंडू इन्फ्लुएंस, इन केसेस में कह रहे हैं कि पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे अपनी प्लीडिंग में। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर्स क्या डालने चाहिए और क्या नहीं डालने चाहिए। रूल तो हमारा देखो बच्चे इतना ही है, जो रूल 4 है वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ उसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्या पर्टिकुलर सेट किए जाएंगे प्लीडिंग में। ये डिपेंड करता है फैक्ट ऑफ केस के ऊपर कि कौन थे जो हमारे केस को हम सामने लेकर के आए हैं। कोई भी केस, जैसे हमने कहा ए कह रहा है बी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो उसका जो पर्टिकुलर केस है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको बतानी वो बताएगा। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि इतने फैक्ट उसको डालने हैं जिससे कि चीज़ें समझ में आ जाएँ कोर्ट को, कोर्ट को संज्ञान लेने में मुश्किल ना हो, अपनी बातें व्यक्ति समझा पाए, वो उतने फैक्ट उतनी चीज़ों को जो है प्लीडिंग में ऐड करेगा। फिर उसके बाद आता है रूल 5 जिसको कि ओमिट कर दिया गया 1999 के अमेंडमेंट के बाद, तो उसको हमें नहीं पढ़ना। रूल 4 आई थिंक आपको क्लियर होगा। सिंपल सी बात कहता है कि जब भी प्लीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट या अंडू इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड हो तो उस केस में पर्टिकुलर्स बताने होंगे, जैसे कि किस बेस पे आप कह रहे हो किस व्यक्ति ने आपके साथ ये सब किया, और दूसरी बात है किस डेट पे हुआ, तो ये स्टेट करने। और हर केस टू केस वैरी करेगा किन किन पर्टिकुलर्स को ऐड करने और किन को नहीं। जनरल रूल यही है कि जिससे पता चल जाए केस के बारे में वो हमें जो है इतने फैक्ट उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। ऑब्जेक्ट यही है कि मतलब जिससे कि पार्टीज़ जो होती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं मतलब प्लेंटिफ अपनी बात कह पाए डिफेंडेंट को कि भाई ये बात है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है और इस वजह से मैं आपके खिलाफ सूट लेके जा रहा हूँ। और जितनी ज़्यादा हो सके बातें क्लियर हो कोर्ट को भी, ताकि कोर्ट उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग फिर इशू फ्रेम करे। तो इसी वजह से यही इसका ऑब्जेक्ट है कि पार्टीज़ जो है ट्रायल पर उन्हें पता चले कि उनके
उनके जो अगेंस्ट केस लाया गया है, तो केस लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, केस लाने का पर्पस क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो चीज़ें पता चल जाएं। इस तरीके से जो है रूल 4 कह रहा है कि हमने वो बातें पर्टिकुलर जो है इसके अंदर स्टेट करनी है, डेट भी बतानी है और जो है स्पेसिफिकेशन डालने हैं या बात करें पर्टिकुलर बताने हैं, ये चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। अगर लगता है कोर्ट को, अब यहाँ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोर्ट को कभी ये लगता है कि जो पर्टिकुलर प्लीडिंग में डाले गए जैसे डेट या आइटम जो हमने बात की कि भाई इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट कहते हैं कि ट्रायल पे जाने से पहले सूट के ट्रायल पे जाने से पहले क्या कह सकते हैं, पार्टीज को कह सकते हैं कि आप पर्टिकुलर्स प्रोड्यूस कीजिए, इंसिस्ट अपॉन द पर्टिकुलर्स, ताकि हमें जो है हमें नोटिस तो हो ही जाए, जो अपोजिट पार्टी है उसको भी हम बता पाएं कि आप ये सूट लेकर क्यों आए। जैसे ए ने एक वाद दाखिल करा बी के खिलाफ, प्लेंट लेके आया, अब प्लेंट लेकर के आया उसने बताया कि फला फला डे पे इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, अब फला फला डेट पे इसने आपके साथ फ्रॉड किया और किसने किस तरीके से किया वो आपने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कोर्ट को ये नहीं पता चल रहा कि ये फ्रॉड ही है, कोर्ट को नहीं लग रहा कि ये फ्रॉड है, तो आप किस बात से कह रहे हो कि ये फ्रॉड है, वो पर्टिकुलर इसमें मिसिंग है, आप हमें बताइए, तभी तो हम जाकर के दूसरी पार्टी को ये बात बताएंगे, समन भेजेंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं अपॉन द पर्टिकुलर्स विच गिव एडिक्वेट नोटिस टू अदर साइड ऑफ द केस इंटेंटेड टू बी सेटअप, ताकि उसको दूसरी पार्टी को भी पता चले हाँ जी आपके खिलाफ ये केस जो है वो बना है, दैट इज़ वॉट, कि पर्टिकुलर अगर नहीं डाले तो कोर्ट बोल सकती है कि आप जो है पर्टिकुलर्स डाल दीजिए इसके अंदर जो आपने मेंशन करने थे नहीं किए। रूल 4 ये कहता है, रूल 5 ओमिशन हो गया है। अब रूल 6 पे चलते हैं जो कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट मतलब पहले वाली का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमने से फॉर इंस्टेंस एक काम हमने पूरा करना है, एक एक्ट करना है, एक्ट क्या है, ए ने कहा बी को आप मेरी पेंटिंग बना दीजिए, तो ये एक्ट हो गया, लेकिन ए ने बी को कहा आप मेरी पेंटिंग बना दीजिए, अब इसमें क्या हुआ, बी बोलता है कि ठीक है पेंटिंग बना दूंगा लेकिन उससे पहले जितना भी मटेरियल है ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं, मुझे वो ला के दो। तो अब देखिए ये कंडीशन जो है वो प्रेसिडेंट है, यानी कि अगर आप मटेरियल ला दोगे तो मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। अब ए अगर मटेरियल नहीं लाता है तो बी पेंटिंग नहीं बना पाएगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं करता है पेंटिंग बनाने का तो फिर ए सू उसको नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन पूरी नहीं की। तो कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि अगर पर्टिकुलर एक्ट होने से पहले किसी कंडीशन का परफॉर्म होना, अकरेंस होना जरूरी होता है, तो उसको भी प्लीड करना जरूरी होता है, उसको भी कोर्ट के सामने लेके आना जरूरी होता है। देखो कोई भी कंडीशन जो कि हम कह रहे हैं जिस पर्टिकुलर सूट को हम लेके आए उससे पहले की कंडीशन कोई थी, उसकी परफॉर्मेंस और अकरेंस को इंटेंशन था कि उसका होना जरूरी है, तो उसको भी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाई करना चाहिए प्लीडिंग में, चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट। अब समझिए ना, ए ने बी को कहा मेरे जो है पेंटिंग कर दीजिए, बी ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा पेंटिंग लेकिन मेरे को कलर्स वगैरह नहीं पता, आप लाके दो मुझे सब, मेरे पास मटेरियल नहीं है, आप मुझे अरेंज करके दीजिए। अब इसने क्या किया, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था नहीं किया, बिकॉज ए ने अपनी बात ही पूरी नहीं की, ए ने इसको पेंटिंग के कलर्स लाके नहीं दिए, वो उसने पेंटिंग की ही नहीं, काम पूरा हुआ नहीं, ये इसको सू कर देता है कि इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। अब यहाँ बी डिफेंडेंट है और ए प्लेंटिफ है, तो कह रहे हैं कि अब बी इस चीज़ को प्लीड कर सकता है, कंडीशन को लेके आ सकता है कि मैंने इसको बोला था मुझे सामान ला दे, लेके आया नहीं, अब मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूं, तो दैट इज़ वॉट, कि डिफेंडेंट को ये प्लीड करना है, या प्लेंटिफ अगर होता तो प्लेंटिफ भी प्लीड करता, जो कंडीशन होनी ज़रूरी है परफॉर्मेंस से पहले, जिसके हम जो इशू हम लेके आए हैं, जो मुद्दा हम लेके आए हैं उससे पहले कोई परफॉर्मेंस होनी ज़रूरी है, तो उसको भी प्लीडिंग में लाना ज़रूरी है। ये यहाँ पर सिंपल सी बात हमारा रूल 6 हमें कहता है, ठीक है। रूल 6 क्या कहता है, रूल 6 क्या कहता है कि परफॉर्मेंस होनी ज़रूरी है अगर किसी प्रेसिडेंट की, तो उसको जो है हमें प्लीड करना ज़रूरी है, उसको हमें प्लीड करना ज़रूरी है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, अगर किसी कंडीशन प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी था और उसकी परफॉर्मेंस हो गई तो फिर तो प्लीड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉन परफॉर्मेंस हुई है तो उसको स्पेसिफिकली और एक्सप्रेसली प्लीड किया जाएगा। अब क्योंकि स्पेसिफिकली जो है ए ने अपने कलर्स लाके नहीं दिए, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हुई ना ए के द्वारा, तो इसको भी प्लीड करेगा स्पेसिफिकली और एक्सप्रेसली। लेकिन अगर इसने कलर ला दिए, ये किसके ऊपर टिका था परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस, एक बी का परफॉर्मेंस एक ही कलर लाने के ऊपर। अब ये कंडीशन प्रेसिडेंट तो थी, तो यहाँ पर ए ने कलर ला दिए फिर भी बी ने पूरा नहीं किया, तो कह रहे फिर ये परफॉर्मेंस अगर होगी तो इसको तो ज़रूरी ही नहीं है प्लीड करना, इसको करो प्लीड चाहे ना करो, यहाँ पर कह रहे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ है तो उसकी प्लीडिंग करना ज़रूरी होता है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल आता है रूल सेवन। रूल सेवन क्या कहता है, डिपार्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे प्रैक्टिस करो चाहे आप जज बनोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रूल सेवन। रूल सेवन ये कहता है कि जब भी प्लीडिंग में जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों के अकॉर्डिंग ही चलेगा केस, है ना। जो एक व्यक्ति प्लेंट लेके आया, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट लेके आया, तो जो केस चलेगा वो उन्हीं तथ्यों के अकॉर्डिंग, उन्हीं जो फ्रेम हुए हुए इशू हैं उनके अकॉर्डिंग, एविडेंस भी उनके अकॉर्डिंग, सब कुछ वैसे ही चला जाएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई डिपार्चर होता है, डिपार्चर का मतलब प्लीडिंग से डिपार्चर, यहां पे कह रहे हैं कि अगर कोई प्लीडिंग से डिपार्चर होता है, मतलब कि कोई एक ऐसा मुद्दा उठा के ले आता है प्लेंटिव जो कि उसने प्लेंट में डाला ही नहीं था, ये ऐसे गवाह को लेके आ जाता है, ऐसे एविडेंस को लेके आ जाता है दैट इज नॉट सपोज टू बी लाइक सपोज टू बी इन द कोर्ट, तो उस केस में कह रहे हैं उसको हम अलाउड नहीं करेंगे। सिंपल बात समझिए, अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमेंडमेंट कर देता है व्यक्ति प्लीडिंग में और उस अमेंडमेंट को कोर्ट परमिशन दे देती है और फिर उसके बाद में कोई नया इशू लेके आता है तो फिर कह रहे हैं उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, पहली बात है कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी एलिगेशन, कुछ भी चीजें को आप नहीं ला सकते जो कि इनकंसिस्टेंट है प्लीडिंग के साथ में, जो आप प्लीडिंग लेके आए हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है लेके आ रहे हो आप, जो भी आप बोल रहे हो कि मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं, ये क्लेम करना चाहता हूं, ये एलिगेशन दिखाना चाहता हूं, एलिगेशन ऑफ फैक्ट लिखा है ना, तो कुछ भी लाना चाहते हो तो प्रीवियस प्लीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। डिपार्चर है, अगर डिपार्चर होता है प्लीडिंग से, जो ओरिजिनल प्लीडिंग थी उसे डिपार्चर होता है, कोई भी फैक्ट आता है या कोई भी क्लेम आता है उसको कोर्ट परमिशन नहीं देती, लेकिन हाँ अगर अमेंडमेंट करवा लिया है कोर्ट के कहने के अनुसार, कोर्ट के आज्ञा के अनुसार, तो फिर अमेंडमेंट के बाद उसको डिपार्चर को परमिशन मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि लिखा है ना नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट के बाद तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि आप नया ग्राउंड लेके आ सकते हैं ऑफ क्लेम या फिर एलिगेशन ऑफ फैक्ट, लेकिन अगर अमेंडमेंट नहीं किया तो उससे पहले नहीं ला सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रूल। फिर आता है रूल एट। रूल एट कहता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे हैं कि प्लीडिंग में लेके आया, ठीक है, एलिज करके लेके आया कि भैया व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, तो अपोजिट पार्टी उसको मना कर देती है कि ठीक है हाँ जी मैंने नहीं, कुछ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, ऐसा कुछ मना करती है। तो कह रहे हैं कि अपोजिट पार्टी जब उसे मना कर रही है तो ये सिर्फ एक डिनायल होगा फैक्ट का, ठीक है, सिर्फ एक फैक्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिनायल होगा, कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी या सफिशिएंसी को अब डिनायल नहीं माना जाएगा। सिंपल बात करें कि अगर एक व्यक्ति अपोजिट पार्टी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के होने को मना कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक फैक्ट को मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ये उसकी लीगैलिटी या सफिशिएंसी जो इन लॉ ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट है उसको मना नहीं कर सकता है, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कह रहे हैं। फिर रूल नाइन कहता है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अब यहाँ पर कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, डॉक्यूमेंट जो है उनको कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा हमने जो है उसमें नहीं एंटर करना प्लीडिंग में। जैसे कि कह रहे हैं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, से फॉर इंस्टेंस मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने मॉर्गेज पे दी थी इसको तो प्रॉपर्टी और इसने मेरे साथ ये किया, तो वो मॉर्गेज को पूरे को लेके यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं, प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं कि मॉर्गेज किन शर्तों में क्या नहीं, सिर्फ इतना बता देना कि हाँ जी ऐसा हुआ था, वो इतना बहुत है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड का मतलब जब हम कंटेंट्स ऑफ किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं वो मटेरियल है, तो इतना काफ़ी होगा इस प्लेडिंग में, इतना बता देना जितना मतलब हम कहेंगे ब्रीफली पॉसिबल हो उतना ही बताना है, सारा बताने की जरूरी नहीं है, अनलेस द प्रिसाइज वर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ आर मटेरियल। यहाँ पर सिंपल सी बात करें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने कहा मॉर्गेज के बेस पे एक व्यक्ति के लिए सूट लेके आया आप अगेंस्ट, ठीक है, अब वो मॉर्गेज के पूरे के पूरे क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे मॉर्गेज हुई थी, किन शर्तों पर हुई थी, वो बताने की लिखने की पूरी की पूरी ज़रूरत नहीं, उन पन्नों को लिखने की ज़रूरत नहीं, वरना हमारी प्लेडिंग कितनी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कि हाँ इस तरीके से हुई थी, और जो उनके मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जिन बातों को बताना ज़रूरी है उस मॉर्गेज से रिलेटेड वो बातें बता दो, बस इतना काफ़ी है। तो इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड का मतलब जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, हम सूट जो ला रहे हैं, प्लीडिंग जो हम ला रहे हैं, उस प्लीडिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट बताना ज़रूरी है तो सिर्फ उसके मटेरियल फैक्ट्स को बताओ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो रूल नाइन हमें कहता है।
फिर रूल 10 कहता है मैलिस नॉलेज इट्सेट्रा। तो मैलिस का मतलब यहाँ पे इंटेंशन की बात करते हैं, कह रहे हैं कि जब भी कोई मैलिस है या फ्रॉडलेंट इंटेंशन है या नॉलेज है या ऐसी कोई कंडीशन एक व्यक्ति के माइंड से रिलेटेड है, तो वो कह रहे हैं कि जब भी कह रहे हैं कि वेर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलिज मैलिस फ्रॉडलेंट इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन इट शैल बी सफिशियंट टू एलिज द सेम एज ए फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच द सेम इज़ टू बी इन्फर्ड। अगर हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का इंटेंशन जो था वो गलत था, फ्रॉड करने का था, इस व्यक्ति को ये पता था कि ये जो कर रहा है ये गलत है, ये जो इस व्यक्ति को सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसने ये किया, ठीक है, जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 8 पढ़ते हैं मोटिव वाली बात, तो अगर इसको पता है या मैंस रिया पढ़ते हैं हम आईपीसी में, तो कह रहे हैं कि इतना प्रूफ कर देना कि हाँ जी इसको पता था, इसको इंटेंशन था, इसको नॉलेज थी, इतना काफ़ी है, हमें बाकी सारी चीज़ें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी सर्कमस्टांसेज जिन सर्कमस्टांसेज से मैं ये तथ्य निकाल रही हूँ कि हाँ जी इनको पता होगा क्योंकि इसने इस तरीके से बिहेव करा, तो उसका मतलब इसको पता होगा क्या क्या वो कहानियाँ मुझे गढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना बता देना, इतनी बातें बता देना कि इसको जो है नॉलेज है, इसको जो था इंटेंशन था इसका। तो जब भी मैलिस फ्रॉडलेंट इंटेंशन नॉलेज या दूसरी कंडीशन ऑफ माइंड की बात होती है, तो उस केस में कह रहे हैं कि प्लेडिंग में सिर्फ इतना बता देना कि हाँ जी इसको पता है, इतना ज़रूरी है, बाकी सारी सर्कमस्टांसिस की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो सर्कमस्टांसिस हैं वो एविडेंस में जाएंगी वहाँ पर मटेरियल फैक्ट्स के, यहाँ पर मटेरियल फैक्ट्स के वो एविडेंस में जाएंगी, यहाँ पर मटेरियल फैक्ट्स बताना ज़रूरी है कि हाँ इसको पता है, मटेरियल सिर्फ इतना कि इसको पता था। अब कैसे मैं प्रूफ करूँगा वो एविडेंस हो जाएगा, तो फैक्टा प्रोबंडा, फैक्टा प्रोबेंशन हमें पता अच्छे से पता है, हमें फैक्टा प्रोबंडा बताना है कि क्या मतलब ये फैक्ट है, ठीक है, हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे हमें ये नहीं बताना प्लेडिंग में, कल भी हमने पढ़ा था। तो मटेरियल हमारे लिए इतना है कि हाँ उसे नॉलेज थी, किन सर्कमस्टांसेस में ये बात कह रही हूँ कि उसको पता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लेडिंग में नहीं लिखना वो। फिर आता है नोटिस, तो नोटिस की बात करते हैं, नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि जब भी नोटिस देना एक पर्सन को ज़रूरी होता है, या हम कह रहे हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट है कि एक व्यक्ति को नोटिस देना होगा उसी के बाद हम शुरू करेंगे, तो प्लीडिंग क्या कह रहे हैं कि प्लीडिंग शुड ओनली स्टेट रिगार्डिंग गिविंग ऑफ सच नोटिस विदाउट सेटिंग आउट द फॉर्म और प्रिसाइज टर्म्स ऑफ सच नोटिस और द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम इट विच इट इज़ टू बी इन्फर्ड अनलेस दे आर मटीरियल। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर कहीं पर किसी को नोटिस देना ज़रूरी है तो इतना बता देना कि नोटिस है, इतना काफ़ी है, बाकी सारी सर्कमस्टांसिस जिससे पता चले कि हाँ जी ये नॉलेज होगी या नोटिस दिया गया वो कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वेर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलिज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर और थिंग इट शैल बी सफिशियंट टू एलिज सच नोटिस एज ए फैक्ट अनलेस द फॉर्म और द प्रिसाइज टर्म ऑफ सच नोटिस और द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच सच नोटिस इज टू बी इन्फर्ड एट मटीरियल। अगर ये ज़रूरी है तो बात अलग है, अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर भाई ये सब गाथा गाने की ज़रूरत नहीं, इतना बता देना कि हाँ जी उसे नोटिस दिया गया है। सिंपल बात कह रहे हैं, जब भी एक नोटिस दिया जाना ज़रूरी है एक व्यक्ति को या एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि नोटिस दिया जाएगा तभी जो है शुरू होगा। जैसे हम सेक्शन 18 में पढ़ते हैं कि नोटिस देना ज़रूरी होता है, उसी के बाद प्लीडिंग जो आप लेके जा सकते हो। तो कह रहे हैं कि अगर नोटिस देना ज़रूरी है, वो कंडीशन प्रेसिडेंट है या ज़रूरी है, तो प्लीडिंग में सिर्फ इतना बताना है कि हाँ जी नोटिस दिया गया, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं किस फॉर्म में दिया गया, जहाँ तक होगा अगर आपको बताना है ज़रूरी ज़्यादा लगता है तो बस तो भी उसको शॉर्टकट में बताना है कि हमने नोटिस ऐसे भेजा था। अब आता है रूल 12, तो रूल 12 कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। कह रहे हैं कि अगर हमने प्रूफ करना है या अगर हमने किसी को ये बताना है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या इन दोनों के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो हम सीरीज ऑफ लेटर्स कन्वर्सेशन या इस तरीके की सर्कमस्टांसिस से प्रूफ करने लगे हैं, तो जब हम प्लीडिंग लेके जा रहे हैं तो उस केस में सिर्फ ये बता देना कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या इन दोनों के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी है, और ये रेफर कर देना कि ऐसे लेटर कन्वर्सेशन और सर्कमस्टांसिस से पता चलता है तो ये काफ़ी है, उनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये जो व्यक्ति है जो ये लेटर और जो कन्वर्सेशन लेके जाना चाहता है वो अल्टरनेटिवली कह रहे हैं कि रिलाई करना चाहता है मोर कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलेशंस देन वन एज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम सच सर्कमस्टांसिस, तो उस केस में वो अल्टरनेटिव में लेके जा सकता है, अल्टरनेटिवली लेके जा सकता है। रूल 13 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी पार्टी को प्लीडिंग में कह रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत नहीं है, नीदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग एलिज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम्स इन इज फेवर,
और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड अनलेस द सेम हैज़ फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड। सिंपल सी बात करते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होते हैं उनके लिए कोर्ट में अब प्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसको प्लीडिंग में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को प्लीडिंग में मैटर ऑफ फैक्ट में जिसको लोग खुद ही प्रज्यूम करता है उस व्यक्ति के फेवर में, या फिर जिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं दूसरी पार्टी के ऊपर है, तो उस केस में उसे कोर्ट में वो प्लीडिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट जो है डालने हैं, और जिन चीज़ों को लो प्रज्यूम करता है उस पार्टी के फेवर में या बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी साइड पर है उसको प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में कहा कि कंसिडरेशन फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर द प्लेंटिव सूज ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर कंसिडरेशन एज ए सब्सटांटिव ग्राउंड ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसिडरेशन फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज है जहाँ प्लेंटिव जो होता है वो बिल पे केवल बिल को ही सू करता है, बिल के उसके ऊपर ही सू करता है, यहाँ पर कंसिडरेशन के ऊपर जो है क्लेम नहीं बना के आता। तो ये वाली बात इन्होंने कही। फिर इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि रूल 14 में हम पढ़ेंगे कि हर प्लीडिंग को साइन करना ज़रूरी है बाय पार्टी और वन ऑफ द पार्टीज और बाय हिज प्लीडर। अगर बहुत सारी पार्टीज है तो उनमें से एक साइन कर दे या फिर पार्टी का प्लीडर साइन कर दे। इसके अलावा पार्टी जो सूट है वो अपने शुड अप्लाई हिज एड्रेस, ही शुड ऑल्सो सप्लाई एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी। अपना एड्रेस भी बताना है। अब सप्लाई है तो अपना एड्रेस भी बताना है। अच्छे से पता है प्लीडिंग जब लिखते हैं तो जो वादी होता है उसका अपना एड्रेस भी होता है, जो डिफेंडेंट होता है उसका एड्रेस भी होता है। इसके अलावा हर प्लीडिंग को वेरीफाई किया जाता है एफिडेविट बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज और बाय पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये रूल 15 में है। कोर्ट इसके अलावा एक ऑर्डर दे सकती है, कैसा ऑर्डर, प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करने का जब उन्हें लगता है कि स्कैंडलस फ्रिविलस वैक्सीशियस और ऐसी जो प्लीडिंग आई है वो कैसी हैं, वो स्कैंडलस है फ्रिविलस है वैक्सीशियस है, मतलब टाइम खराब करेंगी कोर्ट का, धोखाधड़ी वाली बात है, स्कैंडलस है, तो उस केस में स्ट्राइक आउट कर सकते हैं प्लीडिंग को कोर्ट। कोर्ट अलाउ कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए भी, ऑर्डर 6 रूल 17 हमें ये कहता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा फॉर्म्स इन अपेंडिक्स की बात कर दी, तो जहाँ तक एप्लीकेबल हो जितनी भी प्लीडिंग होगी वो हमारे अपेंडिक्स ए के अकॉर्डिंग होती है, और जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होती तो जो एप्लीकेबल होता है उसको हम डाल देंगे। हर एक प्लीडिंग को पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, और कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होता है। ईच एलिगेशन और एवर्डमेंट शुड बी स्टेटेड इन ए सेपरेट पैराग्राफ। हर एक हम एलिगेशन का अलग पैराग्राफ बनाते हैं। डेट्स, टोटल नंबर, ये सब फिगर में भी लिखनी है और वर्ड्स में भी लिखनी है, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। थैंक यू सो मच। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम का ग्रुप शेयर जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर अनअकैडमी पे मेरे से पढ़ना चाहते हो बच्चों तो फिर उसके लिए भी आप अनअकैडमी की जो है ऐप डाउनलोड करके और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।